तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज जा रहा हूँ कंबोडिया, क्रीडम नाम नेशनल पार्क है तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से 1.5 घंटा टाइम लगेगा जाने के लिए। कार बुक किया, कार आ रहा है तो हम लोग जा रहे हैं। चलो 5 जन जा रहा है, यहाँ से 3 जन जा रहा है और आगे से 2 जन को ड्रॉप करूँगा। तो आगे देखते रहिए, ये है मुस्तकिन और ये है प्रीतम, तो साथ में जा रहा हूँ हम लोग क्रीडम नेशनल पार्क। तो आगे देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं हम लोग गाड़ी में बैठ चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे गाड़ी बैठ गया और 2 जन आगे है, वहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं, चलो देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, हम लोग सब आ चुका है। तो देखो सब बैठा है गाड़ी में पीछे, वहाँ पे प्रीतम, मुस्तकिन, संतुदा और यहाँ पे तुषारदा है और यहाँ पे तो मैं हूँ और ये है अपना ड्राइवर साहब। हेलो, तो चलो आगे देखते रहिए। गाना चल रहा है म्यूजिक और तेज, तो हम लोग थोड़ा एंजॉय करूंगा जाते जाते। तो चलिए आगे देखते रहिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए आप लोग। तो दोस्तों, अभी जो स्टैचू देखा वो है सिनोविल में, जो आप लोगों को दिखा है इसका अगले वाला वीडियो में दिखा है सिनोविल का सीन। हम लोग अभी जा रहा है नेशनल पार्क होके वहाँ पे जाऊँगा, वो स्टैचू के बारे में डिटेल्स बताऊँगा। तब तो आगे देखिए, वीडियो का स्किप मत करो, पूरा देखना, वीडियो में बहुत मजा आएगा, पूरा देखिए वीडियो। तो दोस्तों, ये है कंबोडिया पूनम बेंद का टोल नाका है। यहाँ पे $12 का टैक्स भरना पड़ता है। हमारा जो ड्राइवर है ऑनलाइन टैक्स भर चुका है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। तो गाइस, ये है पूनम बेंद का लास्ट बॉर्डर है, इसके बाद चालू हो जाता है क्रीडम। तो ये क्रीडम नेशनल पार्क है, एक पूरा हिल के ऊपर है, बहुत बड़ा है। तो आगे देखते रहिए, ये आ चुका है हिल के ऊपर, हम लोग चढ़ रहा हूँ, तो देखते रहिए। तो ले यहाँ पे देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्रीडम नेशनल पार्क। तो देखते रहिए, एक अंदर एक छोटा सा मंदिर है। तो दोस्तों, ये पार्क के अंदर आने के लिए कोई भी फॉरेनर रहेगा ना, उसके लिए $5 लगता है और कोई कंबोडिया का रहेगा ना, उसके लिए $1 लगता है। तो आगे देखते रहिए, हम लोग पार्क के अंदर पूरा गाड़ी करके घूम रहा हो। तो हम लोग का मेन टारगेट है वाटरफॉल्स, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुका है क्रीडम पहाड़ के ऊपर। तो आगे यहाँ पे देखो, यहाँ तक लास्ट गाड़ी जाएगा, इसके आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग को पैदल घूमना पड़ेगा नीचे, देखते हो कहाँ पे क्या है। देखो ये एरिया देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इधर से दिखा तो आपको कितना अच्छा व्यू लग रहा है, पूरा हिल का ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ से दिखा रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है, देखो। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा, नीचे रिवर साइड है। रिवर साइड में देखो देखने के लिए कुछ बना हुआ है, तो नीचे जाता हूँ, चलो देखते रहिए आगे। यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे आके आप ये सब रेंट पे ले सकते हैं रहने के लिए, यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए भी ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे नीचे जाऊँगा और देखो दूसरी दिखा रहा हूँ, नीचे जाऊँगा, नीचे छोटा सा रिवर है, तो जाके नीचे जाके दिखाता हूँ क्या क्या है। तो देखते रहिए आगे, यहाँ से दिखा रहा हूँ कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, देखो। ये पूरा एरिया एक्चुअली नेशनल पार्क, क्रीडम नेशनल पार्क बहुत बड़ा है। अब 2-3 दिन लगेगा इसको पूरा घूमने के लिए। हम लोग मेन व्यू थोड़ा दिखाता हूँ,
तो चलो आगे नीचे जाके भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे बोर्ड है, आगे साइड बहुत सारा और भी बोर्ड है, आप ऐसा ले सकते हो। अभी पानी कम है थोड़ा। दोस्तों देखिए इस तरह बोर्ड है यहाँ पे छोटा छोटा, ये बोर्ड लेकर आप पानी के ऊपर से जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन अभी पानी कम है इसलिए हम लोग नहीं घूम रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ ब्रिज के ऊपर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस चारों साइड से व्यू किस तरह लग रहा है एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं भी थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पुल के ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये है एक्चुअली पूरा लकड़ी का पुल है, बहुत झुना है, डर भी लगता है टूट ना जाए, तो फिर भी आया मैं इसके ऊपर। इसके ऊपर से देखा तो आप लोगों को चारों साइड किस तरह लग रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये एरिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। आप लोगों को ऐसा लग रहा है ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में लिख के, तो आगे और भी देखते रहिए। तो यहाँ के आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा बादल है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली, सबसे अच्छा मेरे को यही लगा जो बादल है। तो दोस्तों आगे जाता हूँ, आगे जाके देखता हूँ आगे क्या क्या है। तो ये साइड में देखिए सब राइट साइड में बैठ के खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हो तो आइसक्रीम वाला है, तो हम लोग आइसक्रीम ले रहे हो, एक एक आइसक्रीम $1 करके ले रहे हैं। तो दोस्तों देखो ये आइसक्रीम है, तो खा के देखते हो कैसा है, बहुत ठंडा है लेकिन अच्छा टेस्टी है, कोई बाई चांस आया ना फ्रीडम नेशनल पार्क में, ये है कंबोडिया में, तो यहाँ पे आएगा तो जरूर आना, यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे देखने का चीज़ है, तो और भी हम लोग घूम के दिखाता हो। तो चलो आगे देखते रहिए। तो दोस्तों ये साइड से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सामने है एक छोटा सा रिवर, इस रिवर में एक्चुअली ज़्यादा करके बोट है आगे, तो हम लोग नीचे नहीं जा रहा हो, थोड़ा ऊपर से ही दिखा रहा हो, मुझे तो ये एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह ये लोग आराम करते हैं, कपड़े का झूला लगाया, झूला पे झूल रहा है, कोई कोई सोया है। तो और भी देखते रहिए ये एरिया में, देखिए इतना अच्छा ये एरिया, क्या बोलूँ, कुछ जवाब नहीं है एक्चुअली, इतना अच्छा देखने के लिए लग रहा है। यहाँ पे आगे है एक वाटरफॉल्स है लेकिन पानी नहीं है, बहुत दिक्कत हो गई एक्चुअली, जो मेन चीज़ देखने के लिए है वही देखने के लिए नहीं मिला, सिर्फ ऊपर से ऐसे ही नॉर्मल देख रहा हूँ, क्या करूँ मेरा नसीब ही ख़राब है, अब लोगों को नहीं दिखा पाया जो वाटरफॉल जिसके लिए आया वही नहीं दिखा पाया, फिर भी पानी कम है, सामने जाके दिखा रहा हूँ। इस तरह छोटे छोटे बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं, बड़े लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, तो देखिए मैं सामने जा रहा हूँ थोड़ा इधर। तो दोस्तों आप लोग कभी आएगा ना बारिश का टाइम में आइए, तो फिर मज़ा आएगा, ये वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से होकर हम लोग जाएगा सिनोविल, तो देखिए आगे। तो दोस्तों कभी भी यहाँ पे आएगा ना, यहाँ का जो भी है वो सब गूगल से डाउनलोड कर लें इमेज, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट एकदम नहीं चलता है, तो इमेज आप लोग को रहेगा ना, यहाँ पे गाइड मिलता है, लेडीज़ गाइड, तो आपको घुमाएगा बाइक पे, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट नहीं चलते, बहुत प्रॉब्लम हो गया हम लोगों को, तो इमेज डाउनलोड करके लेकर आना, फिर वो दिखाएगा आप लोगों को घुमा गए।
तो आगे देखते रहिए। तो ये साइड से देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, मुझे तो ये एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फ्रीडम नेशनल पार्क घूम लिया, तो अभी आगे जा रहा हूँ सिनो मिल में, वो जो टैचू था टैचू के सामने लेके जा रहा हूँ। तो देखते रहिए, वीडियो स्किप मत करना, देखते रहिए। तो ये है सिनो मिल का गेट। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सिनो मिल में एक बहुत बड़ा टैचू किया है, तो दिखाता हूँ टैचू को कितना बड़ा टैचू। दोस्तों अभी जो टैचू देखा रहा आप लोगों को, ये है पूरा कोपर का बना हुआ है। ये यहाँ का राजा और रानी था, राजा का नाम था प्रेहंग और रानी का नाम था नियफनेक। ये इसका हाइट एक्चुअली है 21 मीटर लंबाई टैचू का। जो वेदी बना हुआ है वो 6.34 मीटर लंबाई है, टोटल 27.34 मीटर हाइट है। इसका वेट है 60 टन और ये पूरा कोपर का बना हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये है एक्चुअली कंबोडिया का ऐतिह्य है, तो इसके लिए बहुत फेमस है। तो देखो कितना पब्लिक आया यहाँ पे देखने के लिए। तो मैं टैचू के सामने जा रहा हूँ, यहाँ पे आगे गेट है, सामने से देखा था आपको एकदम, क्योंकि मेरे को आपको पूरा टैचू देखना था, इसके वजह से मैं दूर से लिया था। तो अभी आपको सामने जाके दिखा रहा हूँ, सामने से पूरा टैचू आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सामने से कितना देख कैसा लग रहा है। तो आगे देखते रहिए। तो दोस्तों मैं देखो ये कितना बड़ा, इसका सामने देखो, ये सामने जस्ट क्लियर है, हम टैचू के लिए वेदी बना है। मैं इसका सामने कितना नीचे हूँ और वो कितना ऊपर, देखो यही कितना बड़ा है। तो और भी आगे दिखाता हूँ आपको, इसका चारी साइड में एक बार राउंड मार लेता हूँ। ये देखो सब यहाँ पे सब कितना सारा लोग आया, अभी सनसेट का टाइम भी हो गया इधर। ये देखो दूर से कितना नज़र अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये टैचू का पीछे साइड से थोड़ा दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है, तो देखिए। तो दोस्तों टैचू का साइड का भी दिखाता हूँ थोड़ा, साइड से किस तरह लग रहा है, कितना सारा पब्लिक आया है और साइड से कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नया नया वीडियो आएगा तो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा। तो आगे तब तक देखिए थोड़ा और भी, ये साइड से एक्चुअली फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा है प्लेस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो दोस्तों बाय बाय, राधे राधे।